Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and again बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में. एंड एज यू नो दैट हम क्लास 11th की जो MCQ की सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं. जुडिशरी चैप्टर है चैप्टर 6 न्यायपालिका, और इसमें हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इस बार हमारा मोटो यही है कि अब की बार पेपर पर बच्चों का पेपर बहुत अच्छी तरीके से हो, उस पर ही हम काम कर रहे हैं. तो बच्चों आपको जुडिशरी से रिलेटेड MCQ मिलेंगे और इस वीडियो के अंदर, और साथ में अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट है, आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं. इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन नोट्स और चैप्टर पहले से ही अपलोड है वो, और साथ में हम इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा. तो पहला MCQ का क्वेश्चन यही है, आपसे पूछा जाता है कि क्योंकि ये जुडिशरी बेस्ड है, क्योंकि ये जुडिशरी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी वजह से सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिफिकेशन वन हैव टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज. अगर आपको भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपको 25 साल से बड़ा होना चाहिए, 35 साल से बड़ा होना चाहिए, एज लिमिट 40 होनी चाहिए, या आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए. तो इसका सही डिसीजन जो होगा बच्चों वो है सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर आप भारत के न्यायाधीश बनते हैं तो आप अगर 35 साल के हैं, 25 साल के हैं, जो भी एज लिमिट की क्राइटेरिया होती है अगर वो है, और अगर आप भारतीय नहीं है ना तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं, इसीलिए भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ अरविंद बोबदे जो है वो एट प्रेजेंट टाइम पे भारतीय नागरिक है, दैट इज़ वाई वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. ये टिल 65 ईयर्स की डेट तक, ये 65 ईयर्स तक ये अपनी एज जब कंप्लीट कर लेंगे जब तक ये जज बने रहेंगे, और या तो 5 साल तय होता है. तो अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो ये 5 साल अभी जज रहेंगे, जिनका टाइम पीरियड आपको पता है. तो हम अगला भी पता कर सकते हैं वो कब है, अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जानना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो है कहाँ, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट होते हैं. तो सबसे बड़ा कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो है कहाँ असल में, क्या वो मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में. तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही होता है, हाई कोर्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है और वो दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश है. तो इसका सही आंसर है दिल्ली. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट तो आप सभी को पता है कि क्या कहते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है कि भारत के अंदर एक ही है, पर हाई कोर्ट कितने हैं हमारे, है ना. तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि टोटल हाई कोर्ट जो है हमारे भारत में कितने हैं, वो भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता कौन है, मतलब अगर वो देखे तो अगर उन्हें कोई अपॉइंट करता है तो कौन अपॉइंट करता है, मतलब सेलेक्ट कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर है प्रेसिडेंट. अगर आप भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश को देखेंगे तो कौन है वो, वो एक राष्ट्रपति होता है जो उनकी अपॉइंटमेंट कराता है. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मुझे देना चाहिए था, अपॉइंटमेंट मैंने दिया नहीं, लेकिन इसका आंसर बी होगा, क्योंकि अगर आप मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाने के लिए एग्री होंगे तो आप ये देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो ही अपॉइंटमेंट करवाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 हो गया. क्वेश्चन 4 में अगर हम देखें सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो हाई कोर्ट पूरे किसी एक स्टेट के अंदर, पूरे एक किसी स्टेट के अंदर जो है क्या कहते हैं वो एक ही हाई कोर्ट होता है, उसके अंदर जजों की संख्या अलग होती है. ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तो होता है लेकिन उसके साथ मिला के कितने जज उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या होती है. क्या 31 है, 30 है, 29 है, 28 है, इसका सही आंसर 30 है.
ये पहले 31 था, लेकिन अब अगर आप इसको एमसीक्यू के अंदर लिखेंगे तो मैंने विकिपीडिया के अंदर देखा है ऐसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 30 जज होते हैं, मैक्सिमम नंबर 34 होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 30 जज ही आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलेंगे, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, शरद अरविंद सिंह बोबडे। ये 18 नवंबर 2019 के दिन उन्होंने शपथ खाई थी, और ये रिटायरमेंट की एज तक या 5 साल तक बने रहेंगे। तो आप 31 गलती से मत लगा दीजिएगा, 31 बहुत से बच्चों ने लगाया है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 2020 के अंदर तो आपको 30 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप पेपर जाते हैं देने के लिए और ये क्वेश्चन आता है तो आपको 30 टिक करना होगा, इसी वजह से इसका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर का फिफ्थ में देखें, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, टोटल मंथली सैलरी कितनी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2.5 लाख। तो दोस्तों मैंने इसमें पूरी लिस्ट बना दी, लिस्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए कर दिया सॉरी गलती से, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर डी है भाई, 2.5 लाख रुपए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी होती है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे विकिपीडिया पे जाके तो एट प्रेजेंट टाइम इसकी 2,80,000 रुपये हो चुकी है। ये पुराने आंकड़े थे जो 2.5 लाख की बता रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे 2.5 लाख हो या 2,80,000 रुपये हो तो बच्चों आपको इस पे ही टिक करना होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये डेटा मैंने उठा लिया है, ये अभी रिसेंटली डेटा आया था जो बेसिक पे का था, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम का, गवर्नर ऑफ स्टेट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसकी सैलरी 2,80,000 रुपये अभी है, यहाँ मैंने 2.5 लाख लिखा हुआ है, लेकिन आपको 2,80,000 रुपये कहीं ऑप्शन मिलता है तो उसे ज़रूर टिक करिएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसे 2,80,000 मान ले तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो सही आएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6th में बढ़ लेते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी कितनी आयु होनी चाहिए, अगर मतलब एट व्हाट एज डज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपॉइंट होता है, मान लीजिए कि 58 साल की उम्र में वो क्या कहते हैं अपॉइंट हो गया, तो 5 साल तो उसे बने ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 62 की उम्र में मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज बना तो फिर वो 5 साल नहीं रहेगा, रिटायरमेंट की एज जो बताई गई है वो बताई गई है 65। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर सी है, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये है आप इसे सी देख लीजिएगा, सी जो है इसका आंसर है। तो अरविंद सिंह बोबडे जो है अगर 2019 में इन्होंने शपथ ली है, या तो ये अपनी एज 2026 या 24 तक रहेंगे, 2024 तक रहेंगे, और उसके बाद या तो इससे पहले अगर उनकी 65 एज ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो भी उनको रिटायरमेंट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में बढ़ लेते हैं हम लोग, वरिष्ठ, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि वरिष्ठ जो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको ओवरसीट करके, सुपर सीट करके, सीनियरिटी को सुपर सीट करके 1993 के अंदर एक बार ऐसा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से करी गई थी। तो दोस्तों वो गलत तरीके से करी गई थी तो किस व्यक्ति को उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से इंपॉर्टेंट है ये भाई। मैं इसलिए इसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा क्योंकि इतना डीपली किताबों के अंदर नहीं बताया हुआ। 1973 के अंदर पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार ने, देखो सिस्टम ये होता है कि जब हमें चीफ जस्टिस को चुनना पड़ता है ना तो सिस्टम पहले से ही बन जाता है कि इस साल कौन बनेगा और उसके बाद अगले साल कौन बनेगा, अगले साल कौन बनेगा, अगले साल कौन बनेगा, अगले साल, ऐसे सिस्टम बना होता है। अभी 47 जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं अरविंद सिंह बोबडे, 47 के बाद हमें पूरी लिस्ट पता होगी कि 48 पे कौन होगा, 49 पे कौन बनेगा, 50 पे कौन बनेगा, 51 पे कौन बनेगा। लेकिन 1973 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं हटाने के बावजूद यहाँ पे श्री अजीत नाथ रॉय, जिसे आप ए एन रॉय बोलते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, 14वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए एन रॉय 14वें नंबर पे थे, 13वें नंबर पे कोई और था, 12वें नंबर पे कोई और था, 11वें नंबर पे कोई और था, और 10वें नंबर पे कोई और था। जो 10वें नंबर पे था बंदा, उसकी रिटायरमेंट होने के बाद
ग्यारहवें नंबर का, बारहवें नंबर का, तेरहवें नंबर का, इन तीनों को सीनियरिटी के हिसाब से इनकी नज़रअंदाजी करी गई। ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा इन तीनों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया, लेकिन चौदहवें नंबर पे यानी कि अजीत रॉय, जिसे अजीत नाथ रॉय, ए एन रॉय बोलते हैं, इनको देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मामला था, वो आप 12th क्लास की जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो उनमें आपको समझ में आएगा। तो अभी आपको अजीत जो श्री अजीत नाथ रॉय रॉय है, आपको रे सॉरी रॉय रॉय बोल रहा हूँ मैं, रे है, आपको इस पे टिक करना होगा। 1993 अगर कहीं भी आ जाए तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8th की अगर बात करें हम, कि भारत के संविधान के अंदर जो न्यायिक पुनर्रक्षण है उसकी धारणा कहाँ से ली गई है, दैट मीन्स जैसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, रिवीजन बोल लीजिए, जुडिशियल रिव्यू बोल लीजिए, वो भारत के अंदर किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया था या किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें उठाई गई थी। क्योंकि हमारा संविधान उधार लिया हुआ संविधान है, इसलिए जो जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने उठा ली, और ये वाली बात हमने अमेरिका से उठाई थी। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9th, न्यायपालिका का कोई एक काम बताना है आपको, तो बहुत ईजी है भाई, जजमेंट देना, न्याय देना लोगों को सही से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि कोई दो ऐसे राज्य बताने हैं जहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई है, तो कौन सा है, क्यूबा है और कम्युनिस्ट चाइना है। दो ऐसी कंट्री है जहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, तो आपको पता है चीफ मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अध्यक्ष होता है, जो अभी हमारे श्री अरविंद सिंह बोबदे जी हैं। अब यहाँ पे फिर है सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या किस अनुच्छेद में करी गई है, कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कैसे लोग हटेंगे, तो धारा 100 आर्टिकल नंबर 124 के अंदर ये बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है किस तरीके से काम करती है, वो अनुच्छेद अगर 124 अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन बार बार बदला जा सकता है, बदल भी जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे अरविंद बोबडे जी जो है जो वो एट प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये कुछ टाइम बाद बदल जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे ये एमसीक्यू के साथ जीके वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे दो राज्य बताने हैं जहां पर अभी भी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करी गई है, तो आप देखेंगे भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अकॉर्डिंग वो लोगों को इंसाफ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस आधार पर अप्रैल में 1973 में अजीत नाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, इसकी कहानी मैंने अभी बता दी आपको, राजनीतिक आधार पर बनाया गया था जिसमें से इन तीनों लोगों को सुपरसीड करके, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे थे, लेकिन 14वें नंबर पे अजीत नाथ रे जो है इनको देश का क्या कहते हैं वो बना दिया गया था। सिर्फ किस आधार पर, राजनीतिक आधार पर, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को उस टाइम पीरियड पे अपनी कुछ व्यवस्था सही करनी थी, दैट इज़ वाई इस समय बनाया गया था। अगर आपको जानना है तो आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, 12th क्लास की हमारी पॉलिटिकल्स वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लोर करा हुआ है उसके अंदर ढंग से। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए लेख, अगर मान लीजिए कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय है और आपको पता है आर्टिकल नंबर 32 जिसे आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अगर आप उस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे और आपका कोई भी अधिकार खराब हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपने अधिकार के बारे में लड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ दो पूछे हुए लेकिन मैंने सारे बता दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये सारे रिट्स लिखने के अधिकार होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होती है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो अगर आप ये देखेंगे तो मैंने ये सारी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये जो रिट्स लिखने के अधिकार होते हैं ये किस टाइप के होते हैं और कब कब इन रिट्स को लिखा जाता है। एक तरीके का लेख है जो सर्वोच्च न्यायालय अपने जूनियर जो कोर्ट होते हैं उनको लिखता है या किसी डिपार्टमेंट को लिखता है, ये इस तरीके के रिट्स, अगर ज़्यादा समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, कहने का मतलब हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस होते हैं, अगर उनको हटाना पड़ जाए तो कौन हटाएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम जो है गलत कर देते हैं, तो कौन हटा सकता है भाई, संसद की सिफारिश पे, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको जजों को हटा सकता है संसद की सिफारिश पे।
तो दोस्तों अभी भी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो अपना रिस्पॉन्स सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाइएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे। पेपर आ रहे हैं, लोगों तक ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, एक बात कही गई थी, वी आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वट वी से, मतलब हम संविधान के अधीन है परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट था और सबसे पहले ये कथन जो कहा गया था आप देख सकते हैं, अमेरिकन स्टेटमेंट थे जिनका नाम चार्ल्स इवन ह्यूज था, उन्होंने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया था और ये आप देख सकते हैं इतने बड़े व्यक्ति थे, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के और इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, हमने ध्यान दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को पॉज कर लें, सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध पहली बार इम्पीचमेंट हुआ था? इम्पीचमेंट का मतलब भारत में कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज कभी कभार क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करके कोई काम कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके उनके लिए, राष्ट्रपति के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, हाईकोर्ट के वकीलों के लिए, यानी कि जजों के लिए इम्पीचमेंट करते हैं, इसे महाअभियोग बोला जाता है और पहली बार इतिहास में हुआ था। आप देख सकते हैं वी रामास्वामी जो है इनके इनके साथ पहली बार हुआ था कि इनके लिए पहली बार इम्पीचमेंट करवाया गया था और इनको पोस्ट से हटाया गया था, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में संविधान के मौलिक अधिकार के ढांचे को सही तरीके से बताने की कोशिश करी थी? इन विच केस सुप्रीम कोर्ट गिव अ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहने का मतलब होता है मौलिक अधिकार के मूल ढांचों में बदलाव ना करना, ये सबसे पहले कौन से ऐसे केस में हुआ था जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक्शन लिया था, वो था केशवानंद भारती केस। अगर आपको केशवानंद भारती केस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो है, बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। जल्दी अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एंड दिस साइड फ्रॉम विजय, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।